हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉग के डिप्रेशन के बारे में। डॉग क्यों अनहैप्पी रहता है? अचानक से आपका डॉग खेलता है, मस्ती करता है और अचानक से उसको जो है खाना बना छोड़ के एकदम काफ़ी ज़्यादा सैडनेस वाला डॉग ब्रीड आपका बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करना। गाइस, जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो एक ही जगह पे रहना। अगर आप कोई एक ही जगह पे डॉग को ज़्यादा देर बांध के रखते हो, दो चार दिन हो गए डॉग को एक ही जगह पे रखते हो, एक ही रूम में रखते हो या फिर एक ही जो रूम होता है उसके अंदर बार बार डॉग को वहाँ पे स्टे कराते हो, तो उसके कारण डॉग डिप्रेस में चला जाएगा अभी नहीं पर थोड़े लॉन्ग टाइम में, क्योंकि एक ही जगह पर देख देख के वो काफ़ी ज़्यादा बोर होता है। डॉग को न्यू क्रिएटिविटी वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जैसे खेलना, बाहर जाना, घूमना। तो ऐसे डॉग ब्रीड को आप एक ही जगह पर बंद रखोगे तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेस फील करेगा, खाना छोड़ देगा और वो आपका डॉग ब्रीड जो है उदास रहने लगेगा। जो सेकेंड पॉइंट आता है वो है खाने पे। अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छा भी डॉग फूड डॉग को रोज़ देने लग रहे हो, कोई भी कितना भी महंगा क्यों डॉग फूड हो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे वही उसको दे रहे हो तो डॉग ब्रीड एक टाइम पे बोर हो जाता है वो खा खा के। तो उसके कारण जो आपका डॉग का खाना होता है वो क्रिएटिविटी वाला होना चाहिए, जैसे कि आप सोमवार मंगलवार को कुछ और दो, बुधवार गुरुवार को कुछ और दो, सैटरडे संडे कुछ और दो, कभी कभार नॉन वेज, कभी कभार एग्स, कभी डॉग फूड, कभी छाछ, दही, रोटी। इस तरह से आप दोगे तो डॉग का जो डाइट वो काफ़ी अच्छा भी रहता है, डॉग का डाइजेस्ट सिस्टम भी सही रहता है। अगर प्रॉपर तरीके से रोज़ एक ही वाला खाना उसको दे रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेस होगा, खाना नहीं खाएगा और खाना भी छोड़ देता है। उसके कारण कभी कभार डॉग की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिक्रेस भी हो जाती है। ऐसे में कभी कभार आप ग्रेवी वगैरह दे सकते हो, डॉग फूड अगर आप नहीं देते रेगुलर बेसिस पे तो कभी कभार डॉग फूड भी दे सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा और डॉग अच्छे से खा भी लेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है डॉग को टाइम ना देना। जब भी आप न्यू पपी लाते हो स्टार्टिंग में अच्छा खासा टाइम देते हो, उसके बाद आप टाइम देना बंद कर देते हो, फिर अचानक से उनके काम में घुस जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हो, बाहर चले जाते हो और डॉग को टाइम नहीं देते। डॉग को हमेशा टाइम देना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनको सोशलाइज़ करना चाहिए, जिसके कारण आपके डॉग को भी ऐसा लगे कि मेरे लिए कोई ना कोई आ रहा है, खेल रहा है मेरे साथ। तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट डॉग के लिए आता है। जब भी आप घर पर आते हो तो आपने देखा होगा डॉग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ खेलेगा, कुछ खाने को देगा, तो उसके कारण डॉग काफ़ी ज़्यादा फील अच्छा करता है और आपको भी उसके चलते काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। बट अगर आप अचानक से उसके साथ खेलना छोड़ दोगे, उसको बाहर ले जा रहे हो तो अचानक छोड़ दोगे, तो उसके कारण डॉग भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और आपको भी काफ़ी ज़्यादा एकदम बैड फील होता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से डॉग को कम से कम आधा घंटा या रोज़ के 10-15 मिनट तो उसके साथ ज़रूर से खेलना है आपको। इससे रिलेटेड जो आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि डॉग को बाहर न ले जाना। डॉग को हमेशा घर के अंदर रखना सही बात नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से रोज़ एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, नई नई चीज़ें आपको सिखानी पड़ेगी ताकि उसके माइंड अच्छी तरह से खुल सके, नई नई चीज़ें सीख सके। और डॉग हमेशा नई नई चीज़ें, नई नई जगह पे जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। आप उसको कार में भी ले जा सकते हो और अगर एक्टिवा वगैरह हो तो उसमें भी बैठा के आप ले जा सकते हो, शाम के टाइम पर ले जा सकते हो, कहीं अदर डॉग के साथ उसको मिलवा सकते हैं, जिसके कारण वो उसके और भी ज़्यादा फ्रेंड बने, उसको सोशलाइज अपने आप भी हो और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करे। अगर आप ऐसा करते हो तो डॉग की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण डॉग अच्छे से खाना भी खाता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहता है और प्रॉपर तरीके से उसकी एक्सरसाइज भी होती है, तो वो डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है बाहर जाने का। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो तो डॉग हमेशा आप उसके साथ पूरे 24 आवर्स तो नहीं खेल सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा खेल सकते हैं। और आपके घर में जो मेंबर है, जैसे कि मम्मी पापा, उनको भी आप बोलिएगा कि इसके साथ थोड़े टाइम पे जरूर से स्पेंड कीजिएगा, जिसके कारण उसको अच्छा लगे। अगर वो भी कभी कभार बिजी हो तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि डॉग के लिए टॉयस वगैरह आते हैं, बोन्स वगैरह आते हैं या चॉय स्टिक वगैरह आते हैं, वो आप ला के दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, उसको टाइम नहीं दे पा रहे, तो ऐसे टाइम पे उसको आप खेलने के लिए टॉय वगैरह दे सकते हैं, बॉल वगैरह ला सकते कि दे सकते हैं, जैसे कि बोन्स वगैरह वो दे सकते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से अकेले खेलता रहेगा, या फिर आप बॉल वगैरह फेंकोगे तो वो ला के देगा, तो ऐसे में उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी फील होगा। और जो आपका जो टाइम कभी कभी बिजी होता है तो उसमें डॉग ये सब चीज़ें करके उनका टाइम पास जो है अच्छे से हो जाएगा। और गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत सारे न्यू डॉग ओनर क्या करते हैं, डॉग अच्छे से नहीं सीखता या प्रॉपर तरीके से बात नहीं मानता तो उसको ज़्यादा करके लकड़ी से मारते हैं या फिर हाथ से मारते हैं, तो उसके कारण डॉग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील करता है, काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, या फिर किसी और डॉग के पास ले जाना, बार बार उसको लड़ाई करना, तो ये सही बात नहीं है। उसके कारण डॉग आपका काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है, डॉग के ऊपर बार बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना ये काफ़ी ज़्यादा सही बात नहीं है, तो इसके कारण डॉग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील होता है, सैडनेस होता है, वो
प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाएगा, खेल नहीं पाएगा, इसके कारण वो उदास रहेगा। इसलिए कभी भी न्यू डॉग ओनर हो या फिर आप डॉग आपके पास आता है या फिर आप कभी बात नहीं मानता, तो उसको एक दो बार आप उसको प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आप मारोगे उसको प्रॉपर तरीके से, बार बार मारते रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा डर जाएगा, फिर वो प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाएगा और आपकी बात भी नहीं मानेगा। इसलिए कभी भी डॉग को नहीं मारना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसको समझाइएगा, ट्रीट दे के समझाइएगा, कुछ अच्छे से समझाइएगा जिसके कारण वो प्रॉपर तरीके से समझ जाए। तो गाइस ये सारे रीजन थे जिसके कारण आपका डॉग जो है डिप्रेस हो सकता है, सैडनेस में बैठ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूँ ये न्यू वीडियो आपको ज़रूर से अच्छी लगी होगी, आपके डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो फिर लाइक शेयर ज़रूर करना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।